राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने एक पत्र के अनुसार बताया कि एनआईए की हिरासत में सचिन वैस को गृह मंत्री ने मुंबई से प्रति माह 100 करोड़ रुपए की फिरौती देने का आदेश दिया था, जिसको लेकर स्थानीय भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने समता नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमे मांग की गयी है की गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज किया जाए और उनके पत्र में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की गहन जाँच की जाए। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने सबूतों के साथ इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के बाद भी, दो दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा कोई जांच शुरू नहीं की गई है। इसके अलावा परमवीर सिंह द्वारा अगले दिन गृह मंत्री अनिल देशमुख को लिखे गए पत्र में परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया गया, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों में तथ्य है। अगर अनिल देशमुख के निजी सहायक पलंडे पुलिस उपायुक्त भुजबल और सहायक पुलिस आयुक्त पाटिल, जिनका नाम मामले में लिया गया है, से पूछताछ की जाती है तो और तथ्य सामने आएंगे। सबूतों को नष्ट करने का भी प्रयास किया जा रहा है, इसलिए अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज करने और गहन जांच की तत्काल आवश्यकता है। अगर राज्य सरकार 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज नहीं करती है तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे। सोचकर आपको बताएंगे, यदि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं 2-4-5 दिन में मुंबई उच्च न्यायालय में मुख रूंगा। जिस पूरे मामले पर गृह मंत्री ने खुद कहा है कि जो भी आरोप लगे बेबुनियाद है, क्योंकि जिस वक्त घटना हुई है, जिस विषय का चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त वो खुद आयुक्त थे, तब उन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाया? कोई भी आरोप लगता है तो आरोपी यही बोलता है, और इसके लिए इसकी जाँच ये बड़े एजेंसी से करना चाहिए और उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री के बारे में ये आरोप पहले भी लगे थे, मैंने सदन में लगाए थे कि ट्रांसफ़र का एक स्कैंडल चल रहा है। उस समय मैंने सदन में भी बोला कि ट्विटर के ऊपर लोग 3-3 करोड़ 4 करोड़ का आंकड़ा बता रहे एसपी के पोस्टिंग के लिए। उस समय भी कुछ जवाब आया नहीं, और अभी तो सर्विंग डीजी ने ये किया है। यदि सर्विंग डीजी के आरोप गलत है तो सर्विंग डीजी को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? शरद पवार कल सुबह बोलते हैं पत्रकार परिषद में कि आरोप संगीन है, सीरियस है। जयंत पाटिल शाम को बोलते हैं कि आरोप में कोई तथ्य नहीं है, और आज मुख्यमंत्री 2 दिन से लेकर चुप्पी साट के बैठे हैं। तो इसके लिए ये सब बातें जो है वो संशयास्पद है। इसके लिए गृह मंत्री का तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनको निकालना चाहिए, और इस पूरे प्रकरण की जांच ये सेंट्रल एजेंसी से, या उनको सेंट्रल एजेंसी से डर लगता होगा राज्य सरकार को, तो हाईकोर्ट मॉनिटर जाँच वो करे। सर, विपक्ष संजय राउत साहब तो पे कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है इस तरह से इस्तीफे मांगना। अब सबके कहने पर अगर हम इस्तीफा देते रहेंगे तो हम सरकार कैसे चलाएंगे? नहीं, पहली बात तो सरकार चलाने का काम संजय राउत का नहीं है, सामना चलाने का काम है, तो वो सामना ठीक तरह से चलाए। और यही संजय राउत है, उन्होंने एक दिन पहले परमवीर सिंह की प्रशंसा की थी। जब परमवीर सिंह ने अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया, परमवीर सिंह ने TRP केस में काम किया, तब तो ये सब लोग परमवीर सिंह को सिर पर लेके नाच रहे थे। हमारा कोई कहना नहीं परमवीर सिंह के बारे में, वो अच्छे हैं बुरे हैं। हमारी कहना इतना ही है कि सर्विंग डीजी है, उन्होंने उनको CP बनाया था, तो उन्होंने संगीन आरोप लगाए तो उसकी जांच करें और वो उनको बर्खास्त करें, इतनी हमारी मांग है। पुलिस ने क्या कहा इस मामले को लेकर? जब अपने पत्र पुलिस ने कहा है कि हम मेरा वो लेटर पढ़ेंगे और मेरे को जवाब देंगे। जैसा मैंने कहा कि मेरी बात पुलिस नहीं स्वीकारेगी तो मैं मुंबई उच्च न्यायालय में जाऊंगा। मैं आज समता नगर पुलिस स्टेशन मध्ये। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।